अगर हिम्मत अच्छी है, अगर हौसला बुलंद है, तो साधन संसाधन सब जुट जाते हैं। योग्यता जो है ना, योग्यता उसको महत्व देना चाहिए, ना कि सिफारिश को और पैसे को। जिसके अंदर एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, उसके आधार पर उसे वो जॉब मिले। जितनी भी चीजें एजुकेशन में होती हैं, टीचर की, स्टूडेंट की, पेरेंट्स की गाइडेंस, पेरेंट्स की हेल्प या पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन, वो एक होना चाहिए मैम। हमारा स्कूल तभी चलेगा जब डिजिटलाइजेशन होगा। आजकल स्मार्ट बुक्स का जमाना है, स्मार्ट टीचिंग का, स्मार्ट लर्निंग का जमाना है। हम कितना भी ऑनलाइन आजकल डेवलपमेंट हो चुकी है, ऑफलाइन को कभी नहीं छोड़ना मैम। तो ये जो डिजिटलाइजेशन है, इसको एक पावर के रूप में यूज करना है, इसको एक कमजोरी के रूप में यूज नहीं करना, ये एक पावर है। Hello everyone, I'm your host Seema Choria and I welcome you all to brand new episode on Great Principles. Please join me in welcoming a celebrated figure from the world of Indian academia, Dr. Gaurav Sachar. He's principal of Baba Shravan Nath Senior Model School, Haryana. Welcome to Great Principles, sir. I'm very honored to have you with me in conversation today. थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर गिविंग मी एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आपका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, क्योंकि काम तो हम बहुत करते हैं अपने लाइन में, लेकिन उसको आप तक कैसे पहुँचाएं, ये सोशल मीडिया जो है सबसे बड़ा एक रिसोर्स है जिसका यूज करके हम अपने काम को आप तक पहुँचा सकते हैं और आपके माध्यम से आगे लोगों तक वो पहुँचता है। तो थैंक यू वेरी मच मैम। सर, वी आर ऑल्सो वेरी ऑनर्ड. हम भी बहुत प्रिविलेज फील कर रहे हैं कि आप हमारे साथ अब कॉन्वर्सेशन में हैं. सो सर, जी मैम, चलिए हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे, आप एडुकेशन में कैसे आए, आपकी जर्नी यहाँ पे कैसे रही है, इतने सालों से आपका एक्सपीरियंस कैसा है और आप यहाँ पे क्यों कंटिन्यू करना चाहते हैं? मेरी लाइफ का जो ड्रीम था वो शुरू से ही टीचर बनना था, और मैं जब 11th में पढ़ता था स्कूल में, तो मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मुझे टीचिंग लाइन में जाना है। हालांकि मेरे पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है, लेकिन मुझे टीचर्स बहुत अच्छे मिले अपनी लाइफ में। तो मैंने सोचा तो ये था कि मैं कॉलेज लेक्चरर बनूंगा, लेकिन भगवान की कृपा से और गुरुओं के आशीर्वाद से स्कूल टीचर बना, उसके बाद कॉलेज लेक्चरर बना, असिस्टेंट प्रोफेसर बना, डीन बना, उसके बाद पिछले 5-6 सालों से मैं प्रिंसिपल हूँ स्कूल में। तो जो मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा मैंने अर्न किया, लर्न किया, और आज भी मैं गुरुओं के आशीर्वाद से जो है एक बहुत अच्छा स्कूल रन कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ रिसर्च के एरिया में सोशल एक्टिविस्ट के रूप में, एजुकेशनिस्ट के रूप में, स्पीकर के रूप में, एक रिसोर्स पर्सन के रूप में, उसके साथ साथ एक कवि भी हूँ, पोएट भी हूँ, और इसके साथ साथ बहुत सारे नेशनल, स्टेट, इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित हूँ। बहुत सारी किताबों को लिखने का भी मुझे मौका मिला है। तो मैंने शुरू से ही इस लाइन में काम करने का सोचा था, तो क्योंकि स्टूडेंट लाइफ से ही मेरा ड्रीम था, तो भगवान ने मेरा बहुत साथ दिया और गुरुओं के आशीर्वाद से आज बहुत अच्छे मुकाम पर बैठा हूँ मैम। और मैं तो ये चाहूंगा कि सोसाइटी के अंदर, क्योंकि ज्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिली के हैं, तो उस मिडिल क्लास फैमिली का जो स्टूडेंट होता है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं होता, तो उसके पास ऑप्शन और उसके पास जो विकल्प है वो बहुत कम होते हैं। और तो मुझे ये लगता है कि जो मिडिल क्लास का फैमिली का जो स्टूडेंट है, या जो व्यक्ति है, या जो एक कॉलेज लाइफ में एक बच्चा पढ़ रहा है, उसके लिए बहुत स्ट्रगल है, क्योंकि मिडिल क्लास की पॉपुलेशन हमारी सोसाइटी में सबसे ज्यादा है, उसमें स्ट्रगल भी ज्यादा है, उसमें कंपटीशन भी ज्यादा है। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि अगर गुरु अच्छे हों, गाइडेंस प्रॉपर मिल जाए, तो वो भी हम कर जाते हैं जिसकी हिम्मत हमारे अंदर नहीं होती। तो मैम, मेरा तो यही आप सबसे कहना है कि अगर हिम्मत अच्छी है, अगर हौसला बुलंद है, तो साधन संसाधन सब जुट जाते हैं। और क्योंकि मैं कवि हूं, तो मैं ये कहूंगा कि जो मेहनत करते हैं वो विश्वास रखते हैं, जो मेहनत करते हैं वो विश्वास रखते हैं, सफल वही होते हैं जो प्रयास करते हैं। तो आपका जो प्रयास है उससे ही आपको सफलता मिलती है, क्योंकि सफलता और असफलता में सिर्फ कोशिश का फर्क होता है। अगर हमारी कोशिश स्ट्रोंग है तो हम अवश्य सफल होंगे, क्योंकि दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं उनकी सफलता का राज असफलता ही है। वो कई बार असफल हुए हैं इसलिए वो सफल हुए हैं।
तो मेरा तो आपके माध्यम से यही मैसेज देना है कि लगे रहो, किसी भी हालत में पीछे नहीं हटना, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे घर की परिस्थिति कैसी भी हो। मेरा ये मानना है कि जो हम सोचते हैं वो हम कर सकते हैं, सिर्फ हमारा एफर्ट्स, हमारा डेडिकेशंस और हमारा पेशेंस, ये तीन चीजें आप में होनी चाहिए ना। बिल्कुल सर, डेफिनेटली सर, टीचर्स का हमारे लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। सर की लाइफ में इतना बड़ा इम्पैक्ट था कि उन्होंने खुद इस प्रोफेशन में आना चाहा, एंड सर एक टीचर बाय चॉइस है। सर आपने बहुत सारी आपकी जर्नी के बारे में बहुत एम्फेसिस दिया कि कैसे मिडिल क्लास में हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिलीज हैं और कैसा कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है और कुछ रोक लग जाती है, लेकिन अगर वो कोशिश करे तो हर चीज़ पॉसिबल है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि हम एजुकेशन में ऐसे क्या बदलाव करें जिससे कि कोई भी फैमिली हो, मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, या हाई हाई इनकम फैमिली हो, हर बच्चे को अपनी प्रतिभा के हिसाब से निखरने का मौका मिले। तो हमारी एजुकेशन में ऐसे क्या परिवर्तन हम ला सकते हैं? मैम, एजुकेशन में सबसे पहला जो बदलाव की ज़रूरत है ना, वो ये है कि हमारे इस दुनिया में, इस संसार में जो टैलेंटेड लोग हैं ना मैम, उनको वो अभी मुकाम हासिल नहीं हो पा रहा है। कुछ पॉलिसीज कह लो आप, या कुछ ऊपर के ऑर्डर्स कह लो, या ऊपर का अपनी पॉलिटिक्स की बात कर लो, या किसी चीज़ की बात कर लो, अभी भी ना जो अच्छे टैलेंटेड लोग हैं ना, वो सफ़र कर रहे हैं सोसाइटी में। और उन्होंने जो लेवल हासिल किया हुआ है उस लेवल के मुताबिक, क्योंकि आज की डेट में ना बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइन से और अपने करियर से सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि या तो उनके पास पैसा नहीं है या उनके पास सिफारिश नहीं है अभी। लेकिन धीरे धीरे समय बदल रहा है, और आज आप देखें कि हमारे देश के अंदर जिस प्रकार का वातावरण है, वो वातावरण पहले कभी नहीं था। इतने सारे मुद्दे जो पता नहीं कितने वर्षों से पड़े थे, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा है, चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा है, चाहे वो धारा 370 है, 35A है, ऐसे ऐसे मुद्दे अब सॉल्व हो रहे हैं जो मुद्दे पता नहीं कितने सालों से पड़े हैं। तो अब धीरे धीरे जो है वो मौसम बदल रहा है। लेकिन अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करें, तो मेरा ये मानना है कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर सबसे पहला बदलाव ये होना चाहिए कि योग्यता जो है ना, योग्यता उसको महत्व देना चाहिए, ना कि सिफारिश को और पैसे को। इसके साथ साथ दूसरा जो बदलाव है वो ये है कि जो कास्टिज्म है, उस कास्टिज्म को खत्म करना पड़ेगा। जो रिलीजियन है उसके बारे में जो लोगों की सोच है, उसको ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि कास्टिज्म की वजह से जिसके नंबर कम है वो तो गवर्नमेंट जॉब में चला जाता है, जिसके नंबर ज्यादा है उसके पास वैकेंसी नहीं है, उसके पास सीटें नहीं है, क्योंकि वो जनरल कैटेगरी का है। तो दूसरा, ये जो कास्टिज्म है ना, ये हमें जो है ये खत्म करना पड़ेगा। एबिलिटी को इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी कि जिसके अंदर एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, उसके आधार पर उसे वो जॉब मिले। और तीसरा, मेरे मेरे हिसाब से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें भी बदलाव करने की जरूरत है। हालांकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी आई है, लेकिन उस पॉलिसी में सिर्फ बच्चों के बारे में, स्टूडेंट के बारे में ही कहा गया है, टीचर के बारे में कोई बात नहीं की गई, प्रिंसिपल के बारे में कोई बात नहीं की गई। और तो इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है वो बहुत अच्छी पॉलिसी है, बहुत सालों बाद आई है। हालांकि इससे पहले भी पॉलिसीज आई हैं, लेकिन इस पॉलिसी में मुझे जो कमी नजर आई वो ये कि टीचर्स के बारे में, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में कितनी सैलरी मिलती है टीचर को, 10,000 रुपये, 12,000 रुपये, 8,000 रुपये, तो प्राइवेट सेक्टर का जो टीचर है उसके बारे में कौन सोचेगा? क्या गवर्नमेंट सोचेगी? कौन सोचेगा? कोई ना कोई तो सोचेगा ना। तो तीसरा जो बदलाव है ना, वो सबसे बड़ा, कि प्राइवेट सेक्टर के टीचर्स के बारे में कुछ ना कुछ सोचना है। हालांकि बहुत सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इस बारे में कुछ ना कुछ कर रही हैं, और कोरोना के समय में भी बहुत सारे लोगों ने हेल्प करी है एजुकेशन सेक्टर में। लेकिन आप देखें कि कोरोना में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? एजुकेशन सेक्टर का, टूरिज्म सेक्टर का, सबसे ज्यादा नुकसान इस सेक्टर का हुआ है। कई टीचर्स ने, मतलब अगर आप सर्वे करें तो टीचर्स ने सब्जियां भी बेची हैं, और भी बहुत सारे काम टीचर्स ने किए हैं। तो एजुकेशन सेक्टर में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस टीचर की होनी चाहिए ना, वो हमारे देश में नहीं है। जबकि टीचर ही वकील बना रहा है, डॉक्टर बना रहा है, इंजीनियर बना रहा है, पॉलिटिशियन बना रहा है। तो मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ा जो बदलाव चाहिए ना, वो चाहिए कि हमारे इस देश के अंदर सबसे ज्यादा जो ऊपर सबसे नंबर वन पे जो इम्पोर्टेंस है वो टीचर की चाहिए, और खास तौर पे प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो टीचर काम कर रहे हैं।
तो मेरा ये मानना बिल्कुल कि सर, ये कुछ बदलाव हैं जो होने चाहिए, और ये बदलाव पॉलिसी बनाने से, पॉलिसी तो बनानी ही पड़ेगी, इसके साथ साथ जो तो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है वो एक बार हमें देखना पड़ेगा। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी बन गई है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा ये किसी को भी नहीं पता। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग सोच रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना कि जब ये पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में आएगी, इम्प्लीमेंटेशन में आएगी, तो उससे पता लगेगा कि इस पॉलिसी में कितना दम है। तो मैं वही आपको, एक कमी तो मेन रूप से अभी बता रहा हूं आपको कि प्रिंसिपल और टीचर्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया इस पॉलिसी में। जो भी कहा गया स्टूडेंट के बारे में कहा गया, जो भी कहा गया स्टूडेंट की करियर के बारे में कहा गया, उसकी एजुकेशन के बारे में कहा गया। तो मैम ये कुछ बदलाव है जो मैं मानता हूं कि टीचर्स के होने चाहिए, क्योंकि हम जिस, मैं खुद भी प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल हूं, तो इस स्कूल में सरकार की तरफ से कोई पैसा नहीं आता, हम बच्चों की फीस से ही स्कूल चला रहे हैं, फिर भी हम स्कूल में बच्चों को अच्छे संस्कार और अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनका उद्देश्य केवल पैसा कमाना है। लेकिन मैं जिस संस्था में काम कर रहा हूँ, इस संस्था का केवल एकमात्र उद्देश्य है बच्चों को संस्कार देना और बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना। तो मेरा ये मानना है मैडम कि जो बदलाव है वो स्वयं से शुरू होंगे, और एजुकेशन सेक्टर में ये बदलाव चाहते हैं तो वो स्वयं के स्कूल से शुरू होंगे। बिल्कुल सर, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने उठाए हैं सर, और ये बहुत क्रूशियल भी है कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस लाने के लिए। हालांकि एनईपी में टीचर्स के बारे में बात की गई है डेफिनेटली, कि किस तरीके से उनका स्ट्रक्चर होगा, किस तरीके के एडुकेशन में चेंजेस लाने वाले हैं, बीएड प्रोग्राम में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, उनकी सैलरी लेवल कैसी होनी चाहिए, उनकी ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, बट हाँ और भी ज़्यादा उसमें विस्तार की ज़रूरत है। आपकी बात एकदम सही है सर, हम कम्प्लीटली अग्री करते हैं। अब हम पहुँचते हैं सर हमारे रैपिड फायर राउंड की तरफ। यहाँ पे आपको वन वर्ड में या फिर वन सेंटेंस में आंसर करना होगा, जी मैम, ठीक है? तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है, आप जब स्कूल में नहीं होते हैं या जब आप अपना प्रोफेशनल काम नहीं कर रहे होते, तो आपकी क्या हॉबीज हैं जिन्हें आप परस्यू करते हैं? मेरी सबसे अच्छी जो हॉबी है ना वो ये है कि मैं दूसरों की हेल्प करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है मैम। जैसे कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास कपड़े की कमी हो, किसी के पास बुक्स की कमी हो, या किसी को मेरी गाइडेंस की जरूरत हो, तो मुझे वो काम करना सबसे अच्छा लगता है मैम। तो मेरी लाइफ में हॉबी तो वैसे कई तरह की होती है मैम, पर्सनल हॉबीज, लेकिन मुझे सबसे अच्छा सुख पर्सनली जो मेरे दिल को अच्छा लगता है वो ये कि जब मैं दूसरे की हेल्प करता हूँ मैम, और अगर मेरी वजह से किसी की प्रॉब्लम कम होती है या वो खत्म होती है, तो मुझे वो चीज़ सबसे अच्छी लगती है मैम। अलग अलग बोर्ड्स या फिर वन नेशन वन बोर्ड, आपको क्या सही लगता है? मैम मुझे तो वन बोर्ड, वन कैंडिडेट, वन करिकुलम, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि पूरे देश का सिलेबस एक हो, और पूरे देश ओह का जो एक टारगेट है वो एजुकेशन का एक होना चाहिए। क्योंकि तो मैं ये देखता हूँ कि जब हम किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वहाँ सब कुछ चेंज हो जाता है, यहाँ तक कि टीचर की सिलेक्शन, टीचर का इंक्रीमेंट, मतलब जितनी भी चीजें एजुकेशन में होती हैं, टीचर की, स्टूडेंट की, पेरेंट्स की गाइडेंस, पेरेंट्स की हेल्प या पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन, वो एक होना चाहिए मैम। ऑल राइट, सो वन बोर्ड वन नेशन आप फेवर करते हैं। हमारे जी अगले मैम, क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं सर। अगर आपको अभी कहीं भी इंडिया में या हमारे प्लेनेट पे, पूरे वर्ल्ड में कहीं घूमने का मौका मिले, तो आप कौन सी जगह जाना चाहेंगे? मैं तो वैसे धर्म कर्म का आदमी हूँ, धार्मिक जगहों पर जाना पसंद करता हूँ मैम, लेकिन मुझे अगर कोई कहे तो मैं तो मैम जो महादेव के मंदिर हैं, महादेव के मंदिर जहाँ जहाँ भी हैं, चाहे काशी की बात करूँ या वहाँ की बात करूँ, तो मैं वहाँ जाना पसंद करूँगा मैम। ओके ओके, वंडरफुल, जी ग्रेट। मैम, मूविंग जी ऑन मैम, टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी आप क्या आपको लगता है कि हमें बच्चों को हॉस्टल भेजना चाहिए, बोर्डिंग स्कूल सही है? मैम बोर्डिंग स्कूल में, देखो बोर्डिंग स्कूल को मैं गलत नहीं कहता, लेकिन उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा है मैम, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्योंकि बच्चा घर के बाहर है, पेरेंट्स की कोई सुपरविजन नहीं है, जो भी प्रिंसिपल्स रेजिडेंशियल है वहाँ, टीचर्स रेजिडेंशियल है वहाँ, मुझे लगता है 24 आवर्स की ड्यूटी है मैम वो, और उसमें जी बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हॉस्टल का बच्चा या तो कामयाब है या वो बिल्कुल खत्म है मैम, खत्म इन द सेंस जो उसकी सोच है ना मैम, क्योंकि अकेला है वो,
मोबाइल देख रहा, क्या देख रहा, हमें नहीं पता वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो मेरा ये मानना है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज की है बात है, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रति जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्शियस है और पूरी अवेयरनेस है वहाँ, और हर प्रकार का जो है कॉन्शियसनेस उनमें है, तब जाके मैम हॉस्टल फैसिलिटी ठीक रहती है। अदरवाइज मेरे हिसाब से 6 साढ़े 6 घंटे का जो स्कूल है ना, जो हम ड्रीम देखते हैं उसमें भी पूरा हो सकता है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर है सारी बात मैम। एब्सोल्युटली सर, वेरी परफेक्ट आंसर। हमारा अगले जी क्वेश्चन मैम, की तरफ बढ़ते हैं। एक अच्छे स्कूल लीडर बनने के लिए कौन सी 3 क्वालिटीज का होना जरूरी है? पेशेंस, हार्डवर्क और डेडिकेशन मैम, बिल्कुल सर, जो एब्सोल्युटली, हमने वेरी वेल पीएचडी सर। में, जो मैम हमने पीएचडी में सीखा था, मैंने जब पीएचडी ज्वाइन किया था, पी फॉर पेशेंस, एच फॉर हार्डवर्क और टी फॉर डेडिकेशन। वाह, ये हमें नहीं पता था कि पीएचडी इज जी पी फॉर पेशेंस, एच फॉर मैम, हार्डवर्क एंड डी फॉर डेडिकेशन। वंडरफुल, ग्रेट। डेडिकेशन मैम। जी मैम, तो जैसे कि अभी हमने बात करी हमारे जब मतलब क्या क्वालिटीज के बारे में, तो उसी तरीके से अब एरा चेंज हो गई है। पहले हम इंडस्ट्रियल युग में रहते थे, आज हम डिजिटल युग में रहते हैं, टेक्नोलॉजी का युग है। इस युग के हिसाब से हमारी स्कूल लीडरशिप में क्या क्या बदलाव आने चाहिए, या ये लीडरशिप कैसी होनी चाहिए ताकि हम एजुकेशन में कुछ ज़रूरी ट्रांसफॉर्मेशन ला सके, हमारी आने वाली जनरेशन एक ऐसे वर्ल्ड को फेस कर सके जो कि कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड है उनके लिए। मैम कोरोना टाइम से पहले ना किसी को ऑनलाइन का नहीं पता था मैम, तो जैसे कोरोना लगा तो टीचर्स को, सोसाइटी को, पेरेंट्स को, सबको पता लग गया। ऐसे ऐसे टीचर्स जिनको मोबाइल चलाना भी नहीं आता था, वो भी अब मोबाइल टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं मैम। तो अगर हम लीडर की बात करें मैम, तो आज की डेट में जो स्कूल्स वर्किंग हैं, जहां पर मैं उन स्कूल्स की बात नहीं करता जिसमें सारी फैसिलिटी है मैम, मैं उन मिडिल क्लास स्कूल्स की बात करता हूं जो स्ट्रगल करते हैं, जो सैलरी के लिए, स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट के लिए, अपने लेवल को इंक्रीज करने के लिए, अपनी जॉब को जो है मेंटेन करने के लिए एफर्ट्स करते हैं, मैं उन स्कूल्स की बात करूंगा मैम। तो उन स्कूल्स में अगर आप देखो, तो मेरा ये मानना है कि कुछ अगर मिडिल क्लास स्कूल्स की बात करें, तो उन स्कूल्स में सभी टीचर्स को मैम मोबाइल नहीं आता। उन टीचर्स को, वो भी टीचर उन स्कूल्स में काम कर रहे हैं जब वो स्कूल शुरू हुआ था आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले या 40 साल पहले, जब मोबाइल था ही नहीं, और उन्होंने जो वो स्कूल जिन्होंने उन्होंने जब स्टार्ट किया, अपने जॉब को स्टार्ट किया, तो उनको 400 रुपये, 500 रुपये मिलते थे उस समय। आज उन स्कूल्स में 25-26 साल उन टीचर्स को हो गए हैं। अब हम उन टीचर्स को निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि तो माँ बाप को बूढ़ा होने के बाद क्या हम छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते। माँ बाप को बूढ़ा होने के बाद हम उनकी सेवा करते हैं, ऐसे ही वो टीचर हमारे पिलर हैं। लेकिन हमने डिजिटलाइजेशन भी करना है, हमारा स्कूल तभी चलेगा जब डिजिटलाइजेशन होगा। आजकल स्मार्ट बुक्स का जमाना है, स्मार्ट टीचिंग का, स्मार्ट लर्निंग का जमाना है, ई रिक्शा, ई बिल, सब कुछ ई हो गया आजकल। इलेक्ट्रॉनिक चीजें सारी जो है वो डेवलप हो चुकी हैं। तो उस कंडीशन में मैम, जो डिजिटलाइजेशन है, मेरा ये मानना है कि हम कितना भी ऑनलाइन आजकल डेवलपमेंट हो चुकी है, ऑफलाइन को कभी नहीं छोड़ना मैम। अब हालांकि कोरोना के बाद मोबाइल बच्चों का छुड़वाने में कितना टाइम लग गया, बच्चे मोबाइल छोड़ने को तैयार नहीं थे, बच्चे स्कूल आने को तैयार नहीं थे, क्योंकि बच्चे बच्चों को 100% रिजल्ट मिल रहा था, बिना पेपर के पास हो रहे थे, तो बच्चे भी ऑनलाइन से बड़े खुश थे। लेकिन मैम आज के डिजिटलाइजेशन में जो लीडर है ना, अगर मैं भी एक स्कूल को लीड कर रहा हूँ, तो उसमें सबसे पहले जो एक लीडर है उसको इन चीजों का यूज करना आना चाहिए मैम। अब हम ऑनलाइन मैं आपसे ऑनलाइन बात कर रहा हूँ और ऑनलाइन कन्वर्सेशन हमारी चल रही है, तो ये जो डिजिटलाइजेशन है इसको एक पावर के रूप में यूज करना है, इसको एक कमजोरी के रूप में यूज नहीं करना, ये एक पावर है। हालांकि जो हम काम कर रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, ऑफलाइन काम भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरा ये मानना है ऑनलाइन भी अगर आ जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है। अब हम अपनी बात अपने एरिया में पहुंचा सकते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं दूसरे स्टेट में अगर किसी से बात करना चाहता हूँ, कुछ सीखना चाहता हूँ, तो मुझे ऑनलाइन जो ये डिजिटलाइजेशन है इसका यूज करना पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि एक अच्छे लीडर में कई गुण होते हैं, होने भी चाहिए, लेकिन आज डिजिटलाइजेशन के जमाने में जहां पर पिज्जा भी ऑनलाइन बिकता है, आप हर चीज देख लो मैम आज की ऑनलाइन, तो ऑनलाइन के बिना तो कुछ भी नहीं है। मेरे को लगता है कि आपका विजन, आपका मिशन भी ऑनलाइन होना चाहिए,
अब जितने भी चीज हम एजुकेशन सेक्टर में करते हैं, चाहे वो डिग्री लेना है, चाहे वो स्कूल चलाना है, चाहे वो खुद कुछ सीखना है, जब सब चीजें ऑफलाइन थी, अब उन चीजों को ऑनलाइन करना है मैम। लेकिन ऑनलाइन भी विजन मिशन भी रखना पड़ेगा, सब कुछ ऑनलाइन करना पड़ेगा मैम। टीचिंग लर्निंग, हाँ, यहाँ तक कि बच्चों को संस्कार देने हैं। अब ऑनलाइन संस्कार क्या होते हैं, तो कुछ संस्कार हमें बच्चों को ऑनलाइन भी देने पड़ेंगे। ऑनलाइन में हम पिक्चर्स भेजते हैं, हम मैसेज भेजते हैं, हम बच्चों को कोई कोटेशन भेजते हैं, कोई कोई ऐसी पिक्चर भेजते हैं जिससे बच्चों को इंस्पिरेशन मिले। तो मेरा ये मानना है मैम, पांच चीजें ऑनलाइन में इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर हम ऑनलाइन की बात करें ना, पांच चीजें उसमें इंपॉर्टेंट है मैम। एक तो इनोवेशन मैम, इनोवेशन मस्ट है। अगर आज जो हमने ऑनलाइन काम किया है, उसको कल भी हमें उसमें कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। ये नहीं कि हमने आज कर लिया उसके बाद एक महीने तक छुट्टी हो गई, नहीं। आजकल डेली इनोवेशंस हो रही है मोबाइल्स में और अन्य अन्य एरियाज में, सब जगह इनोवेशन हो रही है। दूसरा मैम, क्रिएटिविटी मस्ट है। जो क्रिएटिविटी है वो जरूरी है मैम। आजकल बच्चे पढ़ते हैं क्रिएटिविटी से मैम, और मेरा ये मानना है एक लीडर होने के नाते हमें भी क्रिएटिव होना चाहिए। तीसरा मैम, कोलैबोरेशन इंपॉर्टेंट है। कोलैबोरेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोलैबोरेशन के माध्यम से हमें ये पता लगता है कि कौन सा स्कूल क्या कर रहा है। उसमें भी कुछ क्वालिटीज होती हैं, हर स्कूल्स में और हर पर्सन में कोई ना कोई क्वालिटी है, तो हमें उससे सीखना चाहिए मैम। चौथा है मैम, एक्सपेरिमेंट। लाइफ इज ए फुल ऑफ एक्सपेरिमेंट मैम, एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है। अगर हम ऑनलाइन में एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे। और पांचवा है मैम, क्यूरियोसिटी। हर चीज को सीखने की एक लगन होनी चाहिए। हमें कोई चीज नहीं आती ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम सीखना नहीं चाहते ये बुरी बात है। हमें अगर किसी चीज की नॉलेज नहीं है मैम, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम सीखना भी नहीं चाहते ये बहुत गलत बात है। मतलब वो कहते हैं ना कि मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो हमें कोशिश तो करनी चाहिए। तो मैम मैं ये मानता हूँ कि इनोवेशन, क्रिएटिविटी, कलेबोरेशन, एक्सपेरिमेंट एंड क्यूरियोसिटी, ये पांच ऐसी चीजें हैं जो एक लीडर में होनी चाहिए अगर वो डिजिटल इरा को अच्छे से अपने स्कूल में एस्टेब्लिश करना चाहता है मैम। एब्सोल्युटली सर, जी मैम, वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन सर। तो ये थे डॉक्टर गौरव सचार सर, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो प्रैक्टिकली लाइफ में होनी चाहिए, जो नहीं हो सकती और कैसे हम कर सकते हैं, जो ज़रूरी भी है, जैसे यस डिजिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन डिजिटाइजेशन के साथ साथ में जैसे कि सर ने राइटली कहा, आपको विजन मिशन संस्कार हर चीज़ को डिजिटाइज करना पड़ता है। तो इट इज़ नॉट जस्ट वन थिंग, अ लीडर हैज़ टू थिंक फ्रॉम 360 डिग्री इम्पैक्ट। सो डॉक्टर गौरव सर ने बहुत ही अपने पोएटिक वे में भी बहुत सारे छोटे छोटे स्टेटमेंट्स यूज करके बीच बीच में बहुत इम्पैक्टफुल तरीके से आज का कॉन्वर्सेशन हमारे साथ किया। सो सर आई थैंक यू फॉर योर टाइम एंड योर वाइज वर्ड्स। इट वॉज रियली एन ऑनर टू थैंक हियर यू यू। मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।